हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, एक और ब्लॉग में स्वागत है। जापान का ये पहला दिन और ये मेरा होटल है जहाँ मैं रुका हूँ। मैं रूम टूर आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि अभी हम लोग कहीं चले थे घूमने टहलने। तो ये जापान की गलियाँ, ये यहाँ के लोग, साइकिल, स्ट्रीट, रोड, बिल्डिंग और वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। अंदर भी बहुत अच्छा बना है, मैं आपको बाद में एक वीडियो में सब कुछ दिखाऊँगा यहाँ पर अंदर का। तो ये होटल जहाँ पर मैं रुका हूँ बहुत ही सस्ता है। अगर आप लोग भी जापान घूमने आते हैं तो इसी तरह का ही होटल बुक करिएगा, सस्ता भी है और कम्फर्ट भी है। तो ये यहाँ का स्ट्रीट है और हम चलते हैं जापान की गलियों में, रास्ते में टहलने घूमने और दिखाते हैं आपको इस पूरे ब्लॉग में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ गाइस। दोस्तों, इस तरह का जो ये फैमिली मार्ट है आपको जापान में हर जगह मिल जाएगा। गली गली में, मोड़ मोड़ पे जापान में फैमिली मार्ट है। तो अभी हमने यहाँ से लिया है चिकन राइस विथ एग और एक ये लाते कॉफ़ी, तो हमने लिया यहाँ पर, उन्होंने गर्म करके भी दिया है। तो ये फैमिली मार्ट है, आप लोग भी अपना तरीके से ले सकते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हलाल फूड या चिकन राइस तो यहाँ से लिया। उसके बाद हर जगह पे आप लोग भी बेहिचक ले सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरे पीछे स्टेशन है जहाँ से हमने भी टिकट लिया है और हम चल रहे हैं ट्रेन। यहाँ पे सबसे इजी है कि आप लोग भी ट्रेन लेके ही ट्रैवलिंग करें, सस्ता सा और इजी रहेगा। लैंग्वेज का थोड़ा सा मसला है क्योंकि यहाँ पे जापानीज़ हैं तो इनको इंग्लिश बहुत कम आती है, तो आप लोग भी किसी से ट्रांसलेट करवा के टिकट ले सकते हैं। तो हमने टिकट ले लिया है, अब हम चलते हैं ट्रेन की तरफ, दिखाते हैं। मेरे पीछे रेलवे स्टेशन था जहाँ से मैं एग्जिट लेके आया, मोरेनो मिया स्टेशन है, वहाँ से एग्जिट लेके आपको आना है ओसाका कैस्टल। ये ओसाका कैस्टल एक बहुत बड़ा पार्क है, देखने लायक चीज़ें हैं, एडवेंचर चीज़ें हैं। तो मैं आया था इधर, वो जो है वो इधर बना हुआ है, तो इधर चलेंगे, दिखाएंगे आपको। तो आपको इधर ही से आना, ये एग्जिट लिया, यहाँ पे मैप लगा हुआ है तो आप मैप भी देख सकते हैं अच्छे से और उसके बाद आप इसको आकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आया था क्योंकि बहुत फेमस है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ अच्छे से ये पार्क ओसाका कैस्टल।
सो दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो मैंने अभी सबको दिखाया, ये है ओसाका कैस्टल। बहुत ही पुराना टेंपल है ओसाका का, जापान का। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो ये 500-600 साल पुराना टेंपल है। 500-600 साल, समझ रहे हैं ना, 500-600 साल पुराना टेंपल है। और आपका भाई वहाँ आया था, वीडियो शूट किया, व्लॉग किया, आपको इसके अलावा मैंने सब दिखाया है। तो आज का हमारा जो पहला अट्रैक्शन था वो यही था। मैं आपसे भी बता दूं कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। अभी क्या है कि शाम हो चुका है, सब चले गए यहाँ से। अभी ये पूरा भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। अगर आप लोग जापान घूमने आते हैं, ओसाका घूमने आते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इसको ज़रूर विज़िट करें। सीन क्या है कि यहाँ का जो टाइम हो गया जापान का, ओसाका का, 6:30 बज चुका है और टिकट वहाँ से मिलती है। वो आप जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ से टिकट मिलती है। टिकट जो मिलने का टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही टिकट मिलता है। तो अगर आपको अंदर जाके विजिट करना है इस टेंपल के अंदर जाके, तो आप 10-11 बजे तक यहाँ आए, वहाँ से टिकट बाई करें और जाकर अंदर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग, चाइना से आते हैं, इंडिया और अदर फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। तो आज का जो हमारा जो सेकेंड डे इन जापान और जो फर्स्ट ब्लॉग था वो यही था, ओसाका कैस्टल। इसके अलावा मैंने आपको सिटी भी दिखाया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें आपके अपने भाई के चैनल, ताकि मैं इसी तरह से और भी ब्लॉगिंग करूँ, और भी कंट्री विजिट करूँ, वहाँ जाके भी मैं ट्रैवलिंग की ब्लॉगिंग करके इस चैनल पर अपलोड करूँ, आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम चलते हैं एक नए लोकेशन पर, नए वीडियो शूट करेंगे, नया ब्लॉग बनाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ गाइज़।